क्रैश कर रहा था, बिल्कुल इसकी कमान जो है वो टूट गई। सच में इनको इश्फाक भाई कहता है प्लास्टिक ड्राइवर, ये आप चेक कर सकते हो। इतना खतरनाक भूकंप आया था कसम से, गाड़ी तकरीबन। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आज पहली बार न्यू टनल से मैं एंटर हो रहा हूँ। आज पूरा रोड भाई लोग खस्ता हाल है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सब दोस्तों को दावियर की चैनल में। तो जैसे कि आपको पता ही है, मेरी लोकेशन जो है वो काजीकुंड बाईपास है। अभी जस्ट इधर से कानवाई को रिलीज़ किया है, तो बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ है। आगे आगे इश्फाक भाई जिस नाके पे था उसकी कानवाई तो हो गई, वो टनल पे पहुंच गया। वो अभी अभी फ़ोन कर रहा था मुझे, तो हम भी निकलेंगे अभी इधर से। जब आगे नाका रिलीज़ हो जाएगा हम भी उसी के साथ निकलेंगे। तो भाई लोग, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाना। अगर आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो दावीर से, तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करके जाना। आपको मैं दिखाऊंगा भाई लोग जाम कितना है, बहुत सारा जाम है। हम निकल गए रॉन्ग साइड, मगर इस नाके को अभी रिलीज़ नहीं किया है इन्होंने। मेरे पीछे भी आप देख सकते हो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। आप चेक कर सकते हो यहाँ से बहुत ही सारी गाड़ियाँ है। ये देखो भाई लोग, चक्का जाम लगा हुआ है काजीकुंड वाले बाईपास पे। देखते हैं अभी आगे कितना टाइम हमको लगेगा जाम क्रॉस करने में। तो सारा नज़ारा आपसे शेयर कर लेते हैं। तो ये आप इधर से देख सकते हो कितने सुनहरे पहाड़ है, थोड़ा बर्फ़ भी है अभी इन पहाड़ों पे। यह है कश्मीर का नज़ारा। बहुत गाड़ियाँ खड़ी है लाइन में। बस देखते हैं अब किस टाइम ये नाका रिलीज़ करेंगे, उस टाइम हम भी निकलेंगे इधर से। हो गया काजीगुंड नाका रिलीज़, ये आप देख सकते हो भाई लोग। दौड़ के आना पड़ा, कोक लाने के लिए गया था, यहाँ से कानवाई को रिलीज़ किया था इन्होंने। बस अभी होगा ये नाका क्रॉस, मिलते हैं अब सीधे टनल पे भाई लोग। ये देखो क्या चक्का से एस गाड़ी निकल रही है। देख सकते हो भाई लोग कानवाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये देखो मैं कच्चे रोड से इस वक्त चल रहा हूँ, इसीलिए हर हमेशा कहता हूँ रेस्पेक्टेड ट्रक ड्राइवर, व्यापारी के पास जब पहुँचते हैं ना वो उधर नाक से बात करता है। ये देखो उसकी वजह से कानवाई मुझे किस तरह करनी पड़ती है। ये देखो कहाँ से मैं निकल रहा हूँ, सभी गाड़ियाँ खड़ा है, फिर भी यार इंसान ये खुद ही करता है। चलो मैं सोच रहा हूँ फ्रेश माल भरा हुआ है, दो दिन हो गए ऑलरेडी कानवाई में, क्या करे यार। कश्मीर की खूबसूरती आप चेक करो भाई, बिल्कुल। टोल प्लाजा से मैं ये शूट कर रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि इधर में थोड़ा जाम लगा हुआ है। आप सीनरी देख सकते हो बाहर, ओ क्या नज़ारा है, एक नंबर। तो आगे बहुत ही सारा जाम लगा हुआ है, इसीलिए कानवाई को टोल प्लाजा पे इन्होंने रोक के रखा है। अभी हम इधर ही कंटिन्यू तकरीबन आधे घंटे से रोके हुए हैं। यह आप नज़ारा चेक कर सकते हो भाई लोग, बिल्कुल अंधेरा होने लग गया है। अब टाइम हो गया भाई लोग 7 बज गए बराबर। तो देखते हैं किस टाइम इधर पे रिलीज़ करेंगे हमको। तो 9 बजे बराबर इन्होंने टोल प्लाजा से गाड़ियों को रिलीज़ किया है। तो बस आगे भी जाम ही है, अब क्या करें यार। अब चेक कर सकते हो बहुत जाम है आगे भी। ये रामसू से बराबर जाम है जहाँ पे लैंडस्लाइड आया है। सच में इनको इश्फाक भाई कहता है प्लास्टिक ड्राइवर, ये आप चेक कर सकते हो। प्लास्टिक ड्राइवर किस तरह चढ़ेगा अब चेक करना भाई लोग, यही है प्लास्टिक ड्राइवर। अभी उमर भाई इसको हेल्प करता है निकलने के लिए। दिस इज ए प्लास्टिक ड्राइवर। बहुत ही बुरा फंस गया, और कश्मीर के प्लास्टिक ड्राइवर यही है।
चक्कर उधर से अब भाग गया। तो टाइम हो गया 11 बराबर, बहुत ही बड़ा भूकंप आया था, शायद 5.7। अभी भाई लोग जो है, मैं इधर टनल के इस साइड हूँ, अभी बानीहाल भी नहीं पहुंचा, बहुत ही तगड़ा जाम अभी भी है। आपको पता है 2 बजे कानवाई को रिलीज किया, अभी 11 बज गए, अभी भी हम इधर ही है। तो अभी तक सभी ड्राइवर जो है वो बाहर थे, गाड़ियों के बाहर। इतना खतरनाक भूकंप आया था, कसम से गाड़ी तकरीबन 2.5 मिनट हिल रही थी उधर इधर। अभी तक मैं भाई लोग न्यूज़ देख रहा था, सभी कश्मीर में घरों से बाहर निकल गए थे। अल्लाह रहम करे यार, खुदा रहम, खुदा रहम, खुदा रहम। बहुत ही ज़्यादा डर गया था मैं। ये आप चेक कर सकते, बिल्कुल तगड़ा वाला जाम। इधर से भी खाना वाना खा लिया हमने। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो नज़ारा आप देख सकते हो बानीहाल का। रात को कंटिन्यू का जाम था भाई लोग, टनल पे मैं कम से कम 3-4 घंटा रुका। और टनल के इस साइड जब आ गया, बानीहाल वाले साइड, फिर एक ही जगह रुका, तो फिर उधर ही खाना वाना खा लिया हमने, उधर ही एक ही जगह बैठ गए हम अभी सुबह तक। अब गाड़ियों का जाम खुल गया है तो हम भी निकल गए हैं। बहुत ही ज़्यादा जाम आगे भी है भाई लोग, क्या करें अब। आप देख सकते हो ये है सुबह सुबह का टाइम, बानीहाल मार्केट का नज़ारा है ये, आपसे शेयर करता हूँ मैं इस टाइम। बिल्कुल अभी उमर भाई सो ही रहा है, मैं कंटिन्यू स्टेयरिंग पे ही बैठा हुआ था रात को, क्या करें यार। फ्रूट माल भरा हुआ एक को रहना पड़ता है स्टेयरिंग पे, चाहे जाम हो क्या नहीं हो। बस ठीक है दोस्तों, बानीहाल में मुझे सामान वामान पकड़ना है गाड़ी के लिए, सफ़र भी कंटिन्यू रखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। आज पूरा रोड भाई लोग खस्ता हाल है, आप चेक कर सकते हो, मशीनें भी काम कर रही है। देखो कहाँ से हमको चलना पड़ता है। देखो जाम किस तरह लगता है, ये देखो रोड पे पत्थर आ गए इधर से, ये देखो डिपर करता है इधर से, ये साइड रोड आप चेक कर सकते हो। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आज पहली बार न्यू टनल से मैं एंटर हो रहा हूँ, ये आप चेक कर सकते हो भाई लोग, नई टनल। अभी इसमें लाइट सिस्टम का कोई जुगाड़ नहीं है, अभी ये आधी ही तैयार हो गई है, ये आप चेक कर सकते हो इस साइड, ये बराबर ये टनल भी इसी के साथ कनेक्ट होगी ये वाली। तो अभी हम इस टनल से निकलेंगे, इस टनल से तो ऑलरेडी निकलते थे हम, वो तो पता ही है आपको भाई लोग। पंथाल ये रहा पीछे, पंथाल एरिया, अब पंथाल एरिया से नहीं जाना है, अब हो गया वो खतरा ख़त्म, अब डायरेक्ट पंथाल को भी टनल हो गई है, चेक कर सकते हो। खूनी नाल पुल, देख सकते हो पत्थर कितने बड़े बड़े आ गए हैं रोड पे। वो साइड में बैठना भाई, क्या हो गया आपको। तो भाई लोग ली मैंने और एक ब्रेक, ये सुबह से पहली ब्रेक है, अभी मुँह वो धोएंगे इधर ही और चाय पियेंगे। रामबन लैंडस्लाइड से पीछे ही हम रुक गए, क्योंकि अपने साथ जो ये संगी गाड़ी है, तो ये संगी है अपने साथ, इसको भी अहमदाबाद माल भरा हुआ है, तो इसे भी मिलाएंगे आपको ज़रूर। इसके टायर को वाल लीक थी, इसलिए इसने ब्रेक दी इधर पे। तो अब
पहले टायर खोलेंगे, उसको वाल चेक कराएंगे, फिर इधर से अपना सफर रामबन की ओर कंटिन्यू रखेंगे। आगे लैंडस्लाइड का भी नज़ारा दिखाऊंगा मैं आपको। इधर पे ही हम भाई लोग चाय वाय पिएंगे अच्छी तरीके से, फिर अपना सफर जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। यह है रईस भाई की गाड़ी, तो अभी ये टायर खुला रहा है, आपसे नज़ारा सारा शेयर कर लेते हैं। अंदर वाला टायर जो है उसमें वाल लीक थी, तो आप उसको पहले निकालेंगे, उसको अच्छी तरीके से चेक करेंगे। बहुत ही ज़्यादा गर्म टायर है, नट पूरे गर्म है। यही है अपना संगी आज इस चक्कर, और एक गाड़ी मिलने वाली है आगे, वो भी अपने साथ ही संग को चलेगी। यही है दोनों उस्ताद। यह है लैंडस्लाइड वाला एरिया रामबन, आप लोग चेक कर सकते हो भाई लोग। मलबा देखो यहाँ पे कितना आया है नीचे, आप चेक कर सकते हो भाई लोग। यहाँ पे अभी चेक कर सकते हो भाई लोग गाड़ी को क्या हो गया। जंप क्रैस कर रहा था बिल्कुल, इसकी कमान जो है वो टूट गई एक साइड, पूरी बॉडी जो है वो एक ही साइड हो गई है। अल्लाह रहम। इस साइड देख सकते हो गाड़ी बिल्कुल एक ही साइड हो गई है। बिल्कुल लग गए हम दोनों भाइयों का खाना, आज मटर की रेसिपी बनाई थी गाड़ी में, आप चेक कर सकते हो भाई लोग। तो बिल्कुल टाइम हो गया दो, रुक गए हम दार रोड एरिया में खाना खाने के लिए। तो बस खाना वाना खा लिया भाई लोग, अब ग्रीस हो रही है यहीं पे, ये आप चेक कर सकते हो। अभी भाई जो है वो ग्रीस कर रहा है अच्छी तरीके से, पिन विन में निकालना मेरे में कोई टेंशन नहीं। चलो भाई कर सकते। कोई बात नहीं भाई, कोई। तो यह है अपनी और एक गाड़ी जो संगी है हमारे साथ आज, इसको भी अहमदाबाद माल भरा हुआ है। रईस भाई इस गाड़ी को चलाता है, आगे आप शो चेक कर सकते हो, इस गाड़ी का एक नंबर है कसम से। ऑलरेडी रामबन में आपने इसको देख ही लिया, जिस टाइम में टेयर चेंज कर रहा था अपनी गाड़ी को। तो मिलाते हैं रईस भाई से भी। क्या हाल है रईस भाई? हाय ब्रो। खाना वाना खा लिया? क्या बना हुआ था? सब्जी, मीट। मेरी गाड़ी में तो सब्जी बनी हुई थी आज, बहुत टेस्टी थी, बहुत मजा कसम से। अभी निकलेंगे हम भी, अपना सफर जो है वो कंटिन्यू रखेंगे भाई लोग। यही है अपना संगी आज, अपना जिगर, अपने ही गांव का है ये भी रईस अहमद। तो यह है इसकी गाड़ी, आप चेक कर सकते हो भाई लोग। यह है इसकी गाड़ी, एक नंबर गाड़ी है। देखो किस तरह भाई उतर रहा है मोड़ में, स्नैक मोड़ एरिया में बहुत ही खतरनाक मोड़ होते हैं। अभी यहां से कार्रवाई को रिलीज नहीं किया है, क्या करें यार, अभी रखेंगे हम भी अपना सफर कंटिन्यू। अब जाम देखने को नहीं मिलेगा हमको किसी जगह, अभी सफर रहेगा कंटिन्यू बिल्कुल। अभी की जो लोकेशन है मेरी भाई लोग, वो स्नैक मोड एरिया है जहाँ पे कार्रवाई बंद होती है। बिल्कुल भाई लोग ये आप देख सकते हो नज़ारा है गुगवाल पंप का। अभी इधर पे लैला भाई को फ्यूल डालेंगे पहले, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे फ्यूल होगा गाड़ी में, अपने जेंट के में पहले फ्यूल डालेंगे, कम से कम 20,000 का हो जाएगा। इधर हमारा तेल 83.57 रुपये इधर लीटर का रेट है। अभी 95 लीटर गाड़ी में तेल हो गए, अभी बहुत जाएगा इसमें, कम से कम 20-22 हज़ार का तेल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तेल करते हैं इधर पर बराबर, रखते हैं पंजाब की ओर, अब सफ़र कंटिन्यू। अब ज़्यादा दूर नहीं चलना है हमको पंजाब बॉर्डर तक,
तो वीडियो भाई लोग थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वाला वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना सभी दोस्त। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। तो आज से भाई लोग आपको पता ही है, भाई मुबारक का महीना आने वाला है। अब वीडियो सुबह सहरी से ही स्टार्ट होगा अपना।